पानीपत के गांव रसलापुर में एक 45 वर्षीय युवक की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद भी पानीपत के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने बताया कि उन्होंने 29 तारीख को खानपुर PGI में युवक की तबीयत खराब होने पर कोरोना टेस्ट करवाया था, जहां उन्हें युवक की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव मिली, जिसके चलते खानपुर में एडमिट ना होने के चलते उन्होंने पानीपत के निजी अस्पताल में युवक को भर्ती करवाया, जहां युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। निजी अस्पताल में मौत का कारण कोरोना पॉजिटिव बताया और शव को पुलिस के हवाले कर अंतिम संस्कार करने की बात कही। वहीं पुलिस ने शव को बरामद कर पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवा दिया और परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए पानीपत के शमशान घाट बुलाया, जिसका विरोध करते हुए परिजनों ने अंतिम संस्कार न करने की बात कही और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने की मांग की। लेकिन जब डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करने से मना किया तो परिजनों ने दोबारा से मृतक के सैंपल करवाए, जिसकी रिपोर्ट फिर से नेगेटिव प्राप्त हुई। मेरा नाम मंगलदास है, मैं सरपंच हूँ गाँव रसलापुर का। जिले सिंह नाम का लड़का, उम्र लगभग 45-46 साल थी। वो कुछ दिन से बीमार हो गया था। उसके बाद उसको पानीपत एक दो हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने मना कर दिया इलाज करने से। तो फिर उसको 30/9/2020 को खानपुर लेकर गए। खानपुर में उसको टेस्ट किया, कोरोना टेस्ट, और उन्होंने कोरोना नेगेटिव दे दिया और कहा कि आप जाकर पानीपत में कहीं इलाज करवा लो, बाकी कोरोना नहीं है। फिर 30/9 को ही प्रेम हॉस्पिटल में लेकर गए, उन्होंने उसको दाखिल कर लिया। दाखिल करने के बाद वो टाइम टू टाइम पैसे जमा करते रहे और उन्होंने उसको, और जबकि वो नेगेटिव रिपोर्ट थी खानपुर की, वो उस हॉस्पिटल को प्रेम को दी गई। उसके बावजूद ही उन्होंने डायरेक्ट उसको कोरोना वार्ड में डाल दिया, जबकि उसको अलग से टेस्ट करके उसको रखना था। फिर उन्होंने एक फार्म दिया, उसमें 75,000 का पैकेज था 3 दिन के लिए, और वो ट्रीटमेंट करा कि नहीं करा वो तो अंदर जाने, ना किसी को मिलने देते ना कुछ, शीशे के अंदर से ही उसको देखने देते थे। उसके बाद 2 तारीख शाम को इन्होंने क्या किया कि 7:30 बजे वो डेड डिक्लेयर किया, लेकिन हमारे को बताया 8:30 बजे के करीब। और बताने के बाद फिर हम वहाँ इकट्ठे हुए, उनको बोला, उन्होंने पुलिस बुलाकर उन्होंने मोर्चरी में रख दिया। इसी बीच में उन्होंने क्या किया, 8:30 बजे वो डेड डिक्लेयर हमारे को बताया, उसी बीच में उन्होंने क्या किया, मरने के बाद 60,000 रुपये और जमा करवा दिए। जो मरने वाला था उसका ठेकेदारी का काम था, पेटी कंट्रैक्टर था, और जो उसका बड़ा ठेकेदार था उससे उसने बात की, उसके लड़के ने बात की, अंकल पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो उसने ठेकेदार ने क्या किया कि उस लड़के के अकाउंट में ना डाल के हॉस्पिटल के अकाउंट में ही डाल दिए 60,000 रुपये। मतलब मरने के 2.5 घंटे बाद भी 60,000 रुपये ले लिए उन्होंने। उसके बाद डेड बॉडी मोर्चरी में रख दी। हमारे को सुबह बुलाया गया, भाई सुबह आके आप आ जाना 9 बजे। गांव के आदमी इकट्ठे हो गए, 9 बजे यहाँ आए, उसका परिवार आया। तो 9:30-10 बजे के करीब क्या किया कि यहाँ इन्होंने एम्बुलेंस लगा दी, उसकी डेड बॉडी रख के। हम बोले भी कहाँ ले जा रहे हो इसकी डेड बॉडी? ये बोले कि प्रेम हॉस्पिटल से फ़ोन आया है, इसका संस्कार कर दो शिवपुरी में जाकर। हमने बोला हम संस्कार कैसे करने दे देंगे, हम जब मालिक खड़े हैं इसके हैं। अंदर से हमारे को बोला कि आप शिवपुरी में पहुँचो, मगर हम नहीं जाते, हम इसका रीटेस्ट कराएंगे। तो वो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था नीचे उतर गया, वो हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा बाबूजी आप जैसे करोगे वैसे करूँगा, मेरा कोई रोल है नहीं। वो बेचारा एम्बुलेंस लेकर चला गया, यहाँ रख दिया। डॉक्टर ने बताया भाई, डॉक्टर ने अपने सीनियर से बातचीत करके ये बोला भाई हम इसका रीसैम्पल ले गए और इसको वहाँ भेज रहे हैं खानपुर, लेकिन 2 दिन डेड बॉडी यहाँ पर रखी जाएगी। हम बोले ठीक है। तो हमारे को 5 तारीख को यहाँ बुलाया, हम यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद हमने रिपोर्ट का पता करा तो किसी ने अस्पताल में, हम 3 घंटे घूमते रहे, किसी ने पता नहीं बताया। लास्ट में अल्टीमेटली हम वहाँ गए CMO के ऑफिस में, CMO के ऑफिस ने, फिर CMO ने डिप्टी CMO के पास संडूजा के पास भेजा, संडूजा से बातचीत करी। संडूजा को मैं बोला भी आपने सैंपल भेजा भी है कि नहीं भेजा? वो नीचे जो सैंपल बताने वाली लड़की है वो कह रही है जी वो नंबर लाओ, उससे मैं पता करूँगी। उसने क्या किया हमारे को, मेरे को बोला भाई आप सरपंच साहब एक एप्लीकेशन लिखो,
एप्लीकेशन लिख के दो। मैंने उसी टाइम एप्लीकेशन लिख दी कि हमें IFSC कोड ID नंबर दिया जाए। उन्होंने मार्क किया, मार्क मूर्क करके फिर वो हमारे को नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद हम उस रूम में गए, भाई वो नंबर जिसने देना था। इतने में ही वहाँ से रिपोर्ट आ गई कंप्यूटर पर, कहने लगा बाबू जी एक रिपोर्ट आई है, मैं देखता हूँ। उन्हें रिपोर्ट देखी, कहने लगा जिले सिंह की है। बोला 10 मिनट रुको। 10 मिनट हम रुके। 10 मिनट रुकने के बाद वो रिपोर्ट उसने कहा कि नेगेटिव है। उसने उसकी प्रिंट निकाल के दे दी। हम डॉक्टर के पास गए, फिर मैं गया डॉक्टर के पास। मैं डॉक्टर साहब को बोला ये तो एक प्रिंट है, आप अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट बना के दो अब इसके बारे में। तो उन्होंने फिर एक ऑफिशियल रिपोर्ट बना के दे दी नेगेटिव की। ठीक है जी। उसके बाद फिर पुलिस आ गई। पुलिस को हमने कहा भी पहले हॉस्पिटल का हम आप पोस्टमार्टम कराओ। तो अंदर हम हॉस्पिटल में गए, अंदर में मर्चरी में, तो डॉक्टर कहने लगा कि मैं पोस्टमार्टम नहीं करूँगा क्योंकि ये तो नेचुरल डेथ है, कोरोना से तो मरा नहीं है। मैंने उनको कहा भी जब कोरोना से नहीं मरा तो काज ऑफ डेथ तो बताओ आप, वो कैसे पता लगेगा मौत का कारण क्या है? आप नहीं बता सकते, मैं नहीं बता सकता, वो तो पोस्टमार्टम बताएगा। ठीक है जी, कैसे मरा है वो। तो फिर भी वो पुलिस से बात करी, हम बाहर आ गए। पुलिस वालों ने अब कार्रवाई कर रहे हैं पोस्टमार्टम की। हमने बोला हम डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद भी जब लेकर जाएंगे जब तक हॉस्पिटल वाले गिरफ्तार नहीं होते। तो पुलिस वालों ने आश्वासन दिया है कि आप पोस्टमार्टम कराओ, उसके बाद जो भी कार्रवाई लीगल कार्रवाई हुई हम आपके साथ हैं करें। नहीं जी, हॉस्पिटल में जहाँ ये दाखिल थे उसके पीछे क्या मंशा लगती है कि वो दाह संस्कार कराना चाहते थे डेड बॉडी का? हाँ, वो मंशा यही है कि भाई उनसे गलती तो होगी, ये छुपाने के लिए उनके गलत दवाइयों से मर गया वो। ठीक है, नेगेटिव रिपोर्ट होने के बावजूद तुमने क्यों कोरोना वार्ड में रखा दूसरे मरीजों के साथ उसको? गुमराह करके क्यों उसको? पहले टेस्ट करते, अगर उसको कोरोना होता तो क्रोनिक वार्ड में उसको करते। उसको कोरोना क्या लगता है कि निजी अस्पताल की लापरवाही से ये मौत हुई? बिल्कुल जी, निजी लापरवाही से और गलत इलाज से डेथ हुई है। क्या नाम है सर? मंगल दास। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब युवक की रिपोर्ट नेगेटिव थी तो निजी अस्पताल में कोरोना वार्ड में रखकर इलाज क्यों किया गया? परिजनों ने सीधे तौर पर निजी अस्पताल पर लापरवाही के चलते युवक की मौत होना बताया। इतना ही नहीं, परिजनों ने युवक की मौत के बाद भी पैसे मांगने का आरोप भी लगाया। DSP हेडक्वार्टर सतीश कुमार से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मामले को लेकर परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं। गाँव का मामला है, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। प्रेम हॉस्पिटल जो एक निजी अस्पताल, उस पर भी आरोप लगे। हाँ, वो सिविल हॉस्पिटल में पड़ी है, हमारी जो बस स्टैंड चौकी की पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। जो अभी वो अभी मैंने पता किया था SHO से, तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जिस हिसाब से वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे, पोस्टमार्टम करवा के उसमें जो भी रिपोर्ट्स आएगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे और मामले की गहनता से जाँच की जाएगी। जैसे ही तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।